रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से क्या मुराद है? ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो लर्निंग में रुकावट बन रही हो, मसलन उसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में प्रॉब्लम पेश आ रही हो और हम अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स दूर ना कर पा रहे हों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि हमारी तमाम एक्टिविटीज़ का जो सेंटर होता है वो ब्रेन होता है। दिमाग जो है वो मैसेजेस रिसीव करता है, उसी के मुताबिक इंस्ट्रक्शन देता है और वो ऑर्गन उसको फॉलो करता है। तो जब उसके अंदर इमेज सही नहीं बन पा रहा होता है, इंस्ट्रक्शन सही तौर पे नहीं पहुंच पा रही होती, तो ऑर्गन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। इसका मकसद ऑर्गन में ख़राबी नहीं होती बल्कि ब्रेन में मैसेजेस का सही ना पहुँचना या वापसी, उसकी इंस्ट्रक्शन सही ना जाना है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चों में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, उस पर्टिकुलर इशू के अलावा ओवरऑल उनकी इंटेलिजेंस जो है वो दूसरे बच्चों के इक्वल हो सकती है, मोटिवेटेड भी हो सकते हैं और बाज़ों का दूसरे बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। तो हमें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसकी एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि किसी बच्चे की अगर आईसाइड वीक हो तो टीचर उसको आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स को बताते हैं, उसे आगे बिठाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, जिसके बाद वो दूसरे बच्चों के इक्वल हो जाता है। तो हम इस तरह की स्ट्रेटेजी अपने तौर पे भी करें और फिर कंसल्टेंट से जो एक्सपर्ट्स हों उनसे रुजू किया जा सकता है जो इसका सलूशन बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये वीडियो तमाम टीचर्स और तमाम पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है वो पाँच कॉमन डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर वन, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और ADHD। तो इनको हम वन बाय वन करके समझते हैं। पहला हो गया डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसेबिलिटी। तो इस डिसऑर्डर को समझने के लिए हम एक मुनासिब एग्जाम्पल ये ले सकते हैं। आप सब लोगों ने बॉलीवुड मूवी तारे ज़मीं पे देखी होगी, जिसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि लेटर्स आर डांसिंग और वो सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेरेंट्स से, टीचर से डांट खाता है। वो खुद भी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, पेरेंट्स टीचर्स उसे मुसलसल कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। फिर एक ऐसा टीचर जो आइडेंटिफाई करता है कि उसका क्या इशू है और फिर उसके वीक पॉइंट को दूर करने का है और उसके जो प्लस पॉइंट हो सकते हैं, उसका जो इंटेलिजेंस हो सकता है उसको हाईलाइट करता है और इससे उसका कॉन्फिडेंस बहाल होता है और उससे मालूम होता है कि वो भी दूसरे बच्चों के इक्वल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो बच्चा जब बोर्ड पे देखता है, किसी जगह पे देखता है, तो लेटर्स को सही नज़र आ रहे होते हैं, उसकी आईसाइट सही होती है, लेकिन उसके ब्रेन के अंदर जो इमेज बनता है वो इस तरह से हो सकता है कि अल्फाज आपस में मिक्सअप हो रहे हों, ब्लर हो रहे हों, उल्टे दिखाई दे रहे हों या फिर मूव कर रहे हों। तो इस सब के नतीजे में क्या होता है, जब उससे सही नज़र नहीं आता तो वो लिखता भी सही नहीं है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दी गई है कि जिसमें बच्चे ने कॉपी कर रहा है, तो उसमें उसने सा को जो है वास को सा लिखा है, यानी कि स्पेलिंग अपोजिट लिखी, इस तरह से THE को TEH लिखा। तो इस तरीके से उसको जब वो देख उसको समझ में इस तरह से आ रहा होता है तो वो अपने लिहाज से सही लिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल वो सही नहीं होता। इस प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया कहते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से यूट्यूब पे आपको कंपेरेटिवली कम कंटेंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कुकिंग चैनल, फैशन शोज़ या दूसरे जो इंजॉयमेंट के, एंटरटेनमेंट के चैनल हो गए। तो जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं तो इस तरह के कंटेंट को उन्हें ज़रूर लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इस तरीके से वो बच्चों की बेहतर तालीम तरबियत कर सकेंगे और उनकी अपनी लर्निंग भी होगी और कमेंट्स करके डिस्कशन से मुझे भी सिखा सकते हैं, ऐसे चैनल्स को भी सिखा सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल लर्निंग का प्रोसेस होगा और एक बेहतर उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला जो डिसऑर्डर हुआ वो हो गया डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या होता है कि बच्चा लाइन पे सही नहीं लिख पा रहा होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तो पहले भी था, पहले ये था कि उसके ब्रेन के अंदर सही इमेज नहीं बना जिसकी वजह से वो सही नहीं लिख पा रहा। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को पेंसिल होल्ड करने में, पकड़ने में, कंट्रोल करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है जिसकी वजह से सही नहीं लिखा जा रहा,
सही वो लिख नहीं पा रहा, तो ये जो है वो न्यूरॉन्स का इशू होता है और इसमें ये हैंडराइटिंग को अफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हो गया डिस्प्रेक्सिया, जिसमें मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है। इसको हम इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे से लेस अपने नहीं बांधे जा रहे शूज़ के, इसी तरह से उसके मेमोरी का इशू है, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं, टाइम मैनेजमेंट का, इसी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन जब वो करता है तो सही नहीं कर पाता, स्टेयर्स पे ऊपर जाने में नीचे आने में प्रॉब्लम पेश आ रही है, डायरेक्शन फाइंड करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है, खेलने में किक करने में बॉल को प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो ये किसकी वजह से होता है कि जो न्यूरॉन्स के कोऑर्डिनेशन हुई उसके में प्रॉब्लम हुई और बच्चे को मूवमेंट में प्रॉब्लम पेश आती है, इसकी वजह से भी राइटिंग में भी डेफिनेटली उसका असर सामने आ रहा होता है। डिसकैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया मीन कैलकुलेशन से निकला है, ये जो है वो डिसेबिलिटी होती है इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के टीचर को इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ऐसे बच्चे काउंटिंग बैक करने में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, स्लो टू परफॉर्म कैलकुलेशन, वीक मेंटल अर्थमेटिक स्किल्स उनकी वीक होती है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सही तौर पे नहीं कर पा रहे होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन इसका सलूशन तलाश किया जा सकता है, पहले इसको आइडेंटिफाई किया जाए। नेक्स्ट हो गया ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि उस पर्सन में, बच्चे में जो एनर्जी लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, एक्टिव होता है, लेकिन वो एक्टिव सही डायरेक्शन में नहीं होता। जैसे कि इस पर्सन को दिखाया गया, ये इस तरफ भी भागना चाह रहा है, इस तरफ भी चलना चाह रहा है और कुछ और काम भी करना चाह रहा है, तो इस तरीके से ये जब मुख्तलिफ डायरेक्शन में कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसमें बेसिक पर्पज़ ये होता है कि कोई भी शख्स कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा होता, अपना टास्क मुकम्मल नहीं कर पा रहा होता, और जो एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट होती है, टॉकेटिव भी हो सकता है, और ऐसे लोग जो है वो बगैर सोचे समझे काम कर जाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, तो ऐसे लोग बोलते हैं और बाद में शायद तोलें या ना तोलें, इस तरीके से ये अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते। कहीं पे इनको लाइन में लगने के लिए कहा जाए तो ये बेचैन रहेंगे, इनकी कोशिश होगी कि हमारी बारी आए। और इसी तरीके के लोग जो है वो इसका अपोजिट खुशियात भी हो सकती हैं कि शाये हो, खामोश हों, सोशल ना हो, लेकिन इन सब में ये होता है कि वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये थी वो 5 कॉमन प्रॉब्लम्स। इनके जो रीजंस हो सकते हैं, रीजंस में ये हो सकता है कि हेरिडिटी हो, किसी बीमारी की वजह से हो, या डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो भी रीज़न हो उसका फिर हम अपने तौर पे भी सलूशन तलाश करें और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, देखने के लिए शुक्रिया।